अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, स्टारफिश। जो मछलियों में गिने जाते हैं उसमें है ईल, शार्क और सी हॉर्स। अगला क्वेश्चन है दो, चाय या कॉफ़ी के बहुतायत उपयोग में से कौन सी कमी हो जाती है। अगर चाय और कॉफ़ी को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे कौन सी कमी हो जाती है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है। तो यहाँ पर जो तीन का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है चार, हीमोग्लोबिन एक मुख्य घटक है इसका। तो बताना है कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। तो यहाँ पर चार का सही विकल्प हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन है, कौन एक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर ग्रंथियाँ दी गई हैं कुछ, तो इनमें से बताना है कि कौन सी ग्रंथि नहीं होगी। तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अमाशय। अमाशय को छोड़ बाकी सभी ग्रंथियाँ हैं, थायराइड, यकृत और अग्नाशय, ये सभी ग्रंथियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये होती है क्वाशियोरकार। जो ये बीमारी है क्वाशियोरकार, तो ये बीमारी प्रोटीन की कमी से हो जाती है। अगला है, इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सात का, डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया है ये एक संक्रमित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, ताप प्रतिपन होता है तो ये किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, तटस्थ दशा के कारण। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तो बताना है किस देश के लोगों के साथ सिंधु घाटी के लोगों का व्यापारिक संबंध होता था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी, मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है तो किसके साथ है। तो ये हो जाएगा कर्मकांडों के साथ। जो ब्राह्मण पुस्तकें हैं वो कर्मकांड से संबंधित थी। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 इसमें पूछा गया है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था विकल्प डी, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, 101, प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका था। तो ये कौन थे। तो ये थे विकल्प सी, गौतमीपुत्र शतकर्णी। सी सही विकल्प हो जाएगा 102 का। अगला क्वेश्चन है, 103, खारवेल ने शासन किया था। तो बताना है कि खारवेल ने कहाँ पर शासन किया था। तो ये किया था उन्होंने कलिंग में। वर्तमान में कलिंग को उड़ीसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 104, बातापी राजधानी थी। तो बताना है कि बातापी जो राजधानी थी किस साम्राज्य की थी। तो ये थी चालुक्यों की राजधानी बातापी थी। अगला क्वेश्चन है, 105, इसमें पूछा गया है, बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, कबीर इनके शिष्य थे। तो बताना है कि जो महात्मा कबीर थे किसके शिष्य माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं रामानंद के। तो कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो रामानंद की शिष्यों की संख्या कितनी थी। तो ये थी 12। और इसमें जो प्रमुख भक्त थे रामानंद के उनमें कबीर थे, रैदास थे, पीपा थे, धन्ना थे इत्यादि इनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, 107, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी विकल्प डी, हसन अली के द्वारा। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 107 का। अगला क्वेश्चन है, 108, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो ये है बिहार के पटना में। 108 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 109, न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी आपके जहांगीर के द्वारा। 109 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 110, इसमें पूछा गया है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले कब हुई थी। तो ये हुई थी 110 का सही विकल्प बी, 1498 में। किसके द्वारा की गई थी, वास्को डी गामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 111, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था विकल्प डी, शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास इनके समकालीन थे। तो जो तुलसीदास थे ये थे आपके अकबर के समकालीन। 112 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा।
तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो तुलसीदास का संबंध किस काल से था, तो इनका संबंध था भक्ति काल या भक्ति आंदोलन में इन्हें गिना जाता है। उसी प्रकार कबीर भी हो गए, सूरदास हो गए, ये प्रमुख कवि हैं जिन्हें भक्ति काल के प्रमुख कवियों के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 113, भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था? तो यहाँ पर 113 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल से। अगला क्वेश्चन 114, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? तो 114 का सही विकल्प हो जाएगा डी, 1940 में। हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इसके लेखक होंगे एम के गांधी। प्रश्न है, क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो ये आया था लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन 118, भारत प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी या चयनित हुई थी, कौन थी वे? तो यहाँ पर 118 का सही विकल्प हो जाएगा ए, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है 119, किस राज्य से सबसे पहले, प्रश्न है किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, यूपी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, तो बताना है कि भारतीय संसद में कौन कौन से सदस्य शामिल है या कौन कौन से सदन शामिल है? तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन भारतीय संसद के स्तंभ माने जाते हैं, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? तो 121 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आता है? तो ये होगा गुवाहाटी, यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 123 का जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, प्रथम संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है? तो यहाँ पर 124 का सही विकल्प सी हो जाएगा, स्थानीय निकाय के चुनावों को। अगला क्वेश्चन है, 125, इनमें से कौन सा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना है? तो 125 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसलिंग की अध्यक्षता करती हैं तो कौन करते हैं? 126 का सही विकल्प हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है? तो यहाँ पर जो 127 का सही विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्रीयता, बाकी जो राज्य क्षेत्र हैं सरकार है और संप्रभुता ये है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बनाता है या बताता है? तो यहाँ पर जो 128 का सही विकल्प हो जाएगा डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 129 का सही विकल्प हो जाएगा डी, 250। अगला क्वेश्चन है, कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा ब्यायादेश का, 130 का डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज शामिल है तो ये किस में शामिल है? तो 131 का सही विकल्प हो जाएगा राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन 133, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, 132 का ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? तो ये बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 134, बसंत विषु किस दिन होता है? तो ये होता है 21 मार्च को, 134 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं यहाँ, तो बताना है कि जेट स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती हैं? तो 135 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 136, इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी पवनें हैं या कौन सा तूफान है? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, टॉर्नेडो। इनमें से कौन सी अवसादी शैल नहीं है? तो ये हो जाएगा असीताशम, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल इस रूप से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सवाना के नाम से,
यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। एलिफेंटो दर्रा या एलिफेंट दर्रा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये है श्रीलंका में। 139 का सही विकल्प बी हो जाएगा। आगे है बोलीविया की राजधानी क्या है, तो ये होगा विकल्प डी लापाज। अगला क्वेश्चन है निप्पन नया नाम है, ये जापान का नया नाम है, सही विकल्प ए हो जाएगा। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है, किसका है, विकल्प यहाँ पर 142 का सही हो जाएगा ए, मेडागास्कर का। आगे है इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो 143 का सही विकल्प हो जाएगा सी ज्वार। इटली का मुख्य औद्योगिक शहर कौन सा है, तो इटली का जो मुख्य औद्योगिक शहर होगा तो ये होगा मिलान, भी सही विकल्प होगा 144 का। आगे है 145 माओरी डैश के रहने वाले लोग हैं या निवासी हैं, तो ये होगा न्यूजीलैंड के, 145 का सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे है फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये होगा ल्हासा। प्रथम उपग्रह डैश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा या वर्तमान रशिया के द्वारा। कौन सी नदी बिवरंश घाटी से बहती है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 148 का, तो वो हो जाएगा विकल्प बी नर्मदा। आगे है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये हो जाएगा विकल्प बी जोग। आगे है भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है, तो ये होती है संवहनीय, 150 का सही विकल्प बी हो जाएगा। आगे है भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य स्थित है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी सही विकल्प होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये विकल्प डी असम में। आगे है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संबंध रखती है किसके साथ, राजकीय शासन से, सही विकल्प बी हो जाएगा। निस्पंद स्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसके गुण हैं, तो यहाँ पर 154 का सही विकल्प हो जाएगा डी मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी से। आगे है नवाड किसके विकास से संबंधित है, तो 155 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से। 156 है यदि नकद कोषानुपात घटता है तो साख सृजन होगा, तो यहाँ पर 156 का सही विकल्प हो जाएगा बढ़ेगा। आगे है कराधान एक साधन है, तो 157 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी राजकोषीय नीति का। व्यापार शेष इनके बीच अंतर है, तो सही विकल्प होगा देश का आयत और निर्यात से। आगे है 159 भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी, तो 159 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी 1991 में। बैंकिंग इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर 160 का सही विकल्प तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, सी सही विकल्प है। वस्तु विनिमय का अर्थ है, तो ये हो जाएगा विकल्प भी वस्तुओं से अदला बदली। आगे है 162 IMF का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आगे है इंटरफेरोन का संश्लेषण होता है इसकी प्रतिक्रिया में, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी वायरस। आगे है 164 MS Word क्या है, तो जो MS Word होगा तो ये होगा आपका विकल्प सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है MS Word में क्लिप बोर्ड के विषय में तब तक वही रहते हैं जब तक डैश, यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी सभी विकल्प। आप दूसरा टेक्स्ट कॉपी करते हैं, आप दूसरा टेक्स्ट कट करते हैं, आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। अगला क्वेश्चन है MS Word में शिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा 167 का सही विकल्प हो जाएगा बी टेक्स्ट इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है MS Word में अगर आपको टाइपफेस बदलने की ज़रूरत होती है तो आप कौन सा मेनू चुनेंगे, तो यहाँ पर 168 का सही विकल्प हो जाएगा फॉर्मेट,
आगे है, एमएस वर्ड के लिए एक डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर 159 का सही विकल्प हो जाएगा, एडिट करेंगे। आगे है, एमएस वर्ड में आप ड्रॉप कैप के लिए कितनी बार अलग अलग जगह तय कर सकते हैं, तो ये होगा 3। क्वेश्चन देखेंगे 38, तो जो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका जो यहाँ पर 38 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी। इनको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे बता दूंगा इनके आंसर। उसके पश्चात जो 39 है इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आगे है 40, इसका जो सही विकल्प होगा 40 का तो वो हो जाएगा सी। 41 का सही विकल्प हो जाएगा डी, नन ऑफ द दीज। इसके पश्चात 42 का यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, 42 का सही विकल्प बी हो जाएगा। 43 का सही विकल्प ए हो जाएगा। और जो 44 है इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी, 44 का सही विकल्प डी हो जाएगा। और जो 45 है इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। 46 का जो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो ये सी हो जाएगा। इसके पश्चात जो 47 है इसका सही विकल्प डी हो जाएगा पति। इसके पश्चात आते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो इन्हें देख लेते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट और सहायता संधि दोनों नौसेनाओं के बीच की है, तो 48 का सही विकल्प हो जाएगा सिंगापुर। इसके पश्चात है डिजर्ट नाइट 21 जो हाल ही में चर्चा में था, वह भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास था, तो यहाँ पर 49 का सही विकल्प फ्रांस हो जाएगा। इसके पश्चात है 50, किस संस्था ने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया, तो 50 का सही विकल्प हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मनरेगा के अंतर्गत काम के दिनों की संख्या 100 से 150 कर दी थी, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 52, इसमें पूछा गया है जनवरी 2021 में हुई WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हाल ही के 70 की अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो 52 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर भारत ने। आगे है, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हाल ही में हिंदी राइटर्स गिल्ड कन्नाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मार्स डिगर प्रोब जिसका नाम मोल दिया गया था उसे मृत घोषित कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 54 का सही विकल्प सी, USA। अगला क्वेश्चन है, आइस स्तूप स्वास्थ्य पोर्टल और प्रयास डैशबोर्ड जो हाल ही में समाचारों में थे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए थे, तो ये किए गए हैं विकल्प ए, जनजाति मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 56, कॉस्कॉस किस क्षेत्र का मुख्य भोजन है जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, तो यहाँ पर जो 56 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका का, बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इस्वाटिनी जो हाल ही में उसके प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी के समाचारों में था, बताना है कि जो ये देश है किस महाद्वीप में स्थित है, तो इस्वाटिनी तो ये हो जाएगा यूरोप में ये देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री की हाल ही के दिनों में मृत्यु हुई थी जिस कारण ये चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के, तो इनके विषय सीधे सीधे उत्तर बता देता हूँ आपको, जो 58 है इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, 59 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी। इसके पश्चात है 60, इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला है 61, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। इसके पश्चात है 62, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 64, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 65, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 66 का सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
68 का हो जाएगा, ऑप्शन बी 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेवेंटी का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 71 का सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। 72 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 73 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 74 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 75 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 76 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। आगे हमने ये हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन कर लिए थे, इसके पश्चात दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है इसकी, तो ये हो जाएगा दूरी की। आगे है उत्तल और अवतल दर्पण उदाहरण है, तो जो उत्तल और अवतल दर्पण उदाहरण होंगे तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी गोलाकार दर्पण की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11, इसमें पूछा गया है ट्रांजिस्टर इनमें से किस में पाए जाने की संभावना है, तो ये हो जाएगा सुनने के यंत्र की, सही विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जॉन बियर्ड के द्वारा, 12 का सी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है रेडियोधर्मी नमूनों को शीशे के डब्बों में रखा जाता है क्योंकि शीशा होता है, तो ये होता है अच्छा अवशोषक, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर भी। आगे है 14 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का साधारण नाम क्या है, तो ये हो जाएगा बी ब्लीचिंग पाउडर। आगे है मैग्नेटाइट एक अयस्क है, किसका है यह, तो ये हो जाएगा आयरन का, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। आगे है शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ सही विकल्प हो जाएगा ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 17 किसे मार्श गैस के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मीथेन को। तो यहाँ पर हमने HPGK के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट था, उन्हें आपसे डिस्कस करता हूँ कौन कौन से वो क्वेश्चन थे। एक था ये क्वेश्चन समरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी रोहडू में। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के किस झील को आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगी नाको झील, सही विकल्प बी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी कंप्लीट वीडियो समाप्त हो जाती हुई। हिंदी सेक्शन को चेक करेंगे तो बाकी के सेक्शन को भी चेक करेंगे, पहले इस सेक्शन को चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न संख्या है 78 से 82 तक, यहाँ पर शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो जो 78 है इसका जो शुद्ध होगा, बताना है कि करुणापूर्ण कैसे लिखा जाता है, तो ये होता है यहाँ पर सी, ये सही हो जाएगा सी करुणापूर्ण इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके पश्चात 79 में है, इसमें पूछा गया है शक्तिहीन कैसे लिखते हैं, तो जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा, शक्तिहीन इसी प्रकार से लिखा जाता है। 80 में पूछा गया है देश रत्न किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है विकल्प डी के अनुसार। आगे है 81, इसमें पूछा गया है श्रमजीवी कैसा लिखा जाता है, तो जो विकल्प ए है श्रमजीवी ये इस प्रकार से लिखा जाता है। 82 में पूछा गया है निर्विघ्न किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये विकल्प सी के अनुसार लिखा जाता है। आगे है 83 से 87 तक सही अर्थों को चुनना है, तो जो 83 में प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए सही शब्द हो जाएगा यहाँ पर पीठाधीश, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है 84 लोकल सेस इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी स्थानीय कर। 85 में जो गैजेट के लिए पूछा गया है, तो ये हो जाएगा विकल्प सी राजपत्र। 86 के लिए हो जाएगा विकल्प भी
निवारक। इसी प्रकार 87 के लिए हो जाएगा विकल्प डी अपर्याप्त। इसके पश्चात 88 इसमें पूछा गया है रेखांकित में समास, तो बताना है कि जो रेखांकित में कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प ए तत्पुरुष समास। इसके पश्चात 89 इसमें पूछा गया है अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो अत्यधिक है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विकल्प सी अति जमा अधिक। आगे है पलंग का तत्सम शब्द कौन सा है, तो जो पलंग का तत्सम शब्द हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए पयंक, या पर्यंक या पयंक कुछ भी बोल सकते हैं, पर विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। इसके पश्चात 91 इसमें पूछा गया है देश शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों देश शब्द होना चाहिए विकल्प डी चुगली, बाकी गमला कमीज और कपास ये सभी विदेशी शब्द हैं। आगे है चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा, 92 का जो चंचल का स्त्रीलिंग होगा तो यहाँ पर विकल्प ए ही सही होना चाहिए चंचल, जैसे कि हम कहते हैं राधिका बहुत चंचल लड़की है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों कि जो राधिका बहुत चंचला लड़की, ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर सही विकल्प ए होगा, चंचल का स्त्रीलिंग चंचल ही होगा। आगे है गिरी का बहुवचन, तो जो गिरी का बहुवचन गिरी ही होगा, सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे है 94 मीठा की भावाचक संज्ञा क्या होगा, तो जो मीठा शब्द है इसका भावाचक संज्ञा हो जाएगी विकल्प सी मिठास। आगे है 95 साहस का विशेषण क्या होगा, तो जो साहस का विशेषण हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए साहसी। इसके पश्चात है 96 में पूछा गया है उल्लू का पर्यायवाची क्या होगा, तो जो उल्लू है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए पेचक, बाकी जो कपोत होता है तो ये होता है कबूतर के पर्यायवाची, कंचक सोने का। आगे है विलाप में प्रत्यय है, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो प्रत्यय उस शब्द को कहा जाता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, और जो उपसर्ग वो किसी भी शब्द के पहले लगता है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर विलास को लें, अगर इसमें पूछा जाए कि विलास में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर वी हो जाना था उपसर्ग, और जो प्रत्यय पूछा जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो विलाप में प्रत्यय हो जाएगा विकल्प डी आप। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का समापन हो जाता है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार क्या है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाना था विकल्प ए। आगे है सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता था हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे वे, तो 19 का सही विकल्प ए हो जाएगा बिलासपुर से संबंधित थे। आगे है मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है, तो ये मनाई जाती है चंबा में। अगला क्वेश्चन है बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके हमीरपुर में, बाबा बालकनाथ मेला हमीरपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान विख्यात है, तो ये हो जाएगा बीरबिलिंग, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये हो जाएगी जांसकर। अगला क्वेश्चन है 24 रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जो रूपा घाटी हो जाएगी ये आपके किन्नौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जो भृगु झील हो जाएगी ये आपके जिला कुल्लू में स्थित है, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके गोची उत्सव लाहौल स्पीति में, 26 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कसौली उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जो कसौली उपमंडल है ये सोलन जिला में स्थित है, यहाँ पर 27 का सही विकल्प ए हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विद्या स्टोकस,
जो विद्या स्टोकस थी ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ ये जितने भी उत्तर दिए जा रहे हैं ये हमारे निजी प्रयास है, इसमें प्रश्न एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। प्रयास तो हमने किया है कि सभी प्रश्न सही हों, तब भी अगर आपको लगता है कि एक दो प्रश्न गलत या कुछ और बता दिए हैं तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हम उस पर अवश्य अमल लाएंगे। अगला क्वेश्चन है 29, सुजानपुर शहर किस शासक द्वारा बसाया गया था? तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा राजा अभयचंद के द्वारा, ये सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो दोस्तों इसका कंफर्म उत्तर अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला है, जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे समरकोट जो किला मिला था, समरकोट किला था ये आपके रोहडू में स्थित था, शिमला के रोहडू में, बाकी जो समरकोट किला भी नहीं मिला है। जब इसका कंफर्म उत्तर पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा, आप इसे स्किप ही कर दें। अगला क्वेश्चन 31, हिमाचल प्रदेश की किस झील को आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के तौर पर जाना जाता है? इसका भी मुझे कंफर्म उत्तर नहीं आता दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है नाको झील या खजियार इनमें से एक होना चाहिए, बाकी अभी इसको भी स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 32, शक्ति देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो जो शक्ति देवी मंदिर है ये छतराड़ी में स्थित है, यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनबी ने किस हमले में कांगड़ा किले को लूटा था? तो आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद गजनबी था अफगानिस्तान का शासक, उसने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी आक्रमण किया था, और कब किया था, 7वां और 7वां आक्रमण था ये इसका। यहाँ पर 33 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, सेनापति बेंचूरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष मंडी भेजा गया था? तो यहाँ पर 34 का सही विकल्प हो जाएगा 1939, डी सही विकल्प हो जाएगा। जो सेनापति बेंचूरा थे ये 1939 में सिख सेना का नेतृत्व करते हुए मंडी आए थे। अगला क्वेश्चन है 35, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष में सुजानपुर टिहरा के ताल में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1927 में, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। 1927 में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा सुजानपुर के टिहरा के ताल में आयोजित की गई थी, इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 36, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल किस पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1971 में, जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल है ये 1971 में स्थापित किया गया था। 36 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला और HPGK का अंतिम प्रश्न है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपके हमीरपुर में, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।